नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं झारखंड की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। चक्रवर्ती तूफान का असर जो है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है। तेज हवा के साथ हो रही है भारी बारिश। दरअसल चक्रवर्ती तूफान यास का असर जो है वो झारखंड में मंगलवार से ही देखने को मिल रहा है। 26 मई से 28 मई तक पूरे राज्य में इसका व्यापक असर होगा। इस दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होगी। प्रशासन की तरफ से झारखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। चतरा में मिले 24 घंटे में 29 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जी हां, जिले में सोमवार की रात आई जांच रिपोर्ट में 29 नए कोरोना संक्रमित की पुष्टि की गई है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार जिला में सक्रिय संक्रमितों की जो संख्या है वो 664 हो गई है। इसके साथ ही बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। झारखंड के चतरा में कोरोना का जो तीसरा वेव है उससे निपटने के लिए कोई भी विशेष तैयारी नहीं की गई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि चतरा में थर्ड वेव का सामना करने के लिए कोई भी विशेष तैयारी नहीं की गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो थर्ड वेव है उसमें ज़्यादातर बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। निःशुल्क कफन वाले मुद्दे पर सीएम हेमंत का भाजपा को जवाब। बोले, क्या चाहते हैं, मरने के बाद भी लोगों को ना मिले शांति? जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कफन पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि कफन पर भाजपा जो है वो रणनीति कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कपड़ा दुकान बंद होने के कारण लोगों को अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही थी। उसके साथ ही बढ़ते हैं पांचवी यानी कि आखिरी खबर की ओर। चक्रवर्ती तूफान यास को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद कर दी गई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मैं आपको बता दूं कि रांची में एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न जगहों पर लोगों को जागरूक भी किया गया है। इस दौरान धुरवा स्थित मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों ने दोनों टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। झारखंड से जुड़ी और भी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ पीआर।